नमस्कार, वीकेबी प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त, राज्य की महाविकास आघाड़ी पर कसा तंज। बुलढाणा में पतंगबाजी के चक्कर में छोटे बच्चे के आर पार गई लोहे की सलाख, बच्चे की हालत है गंभीर। और नागपुर महानगर पालिका ने ठंड के प्रकोप को देखते हुए 172 बेघर लोगों के लिए निर्माण किया आसरा केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात देश को संदेश देकर वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर जानकारी दी और अनेक नई घोषणाएं की। इस पर महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानमंडल के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार पर तंज भी कसा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कल सुशासन दिन पर बहुत ही अच्छा निर्णय किया और विशेष रूप से 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एक प्रिकॉशनरी डोज और 15 से 18 ये जो आयु सीमा है इनके लिए भी अब वैक्सीनेशन ओपन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओमाइक्रॉन का जो एक डर लोगों के मन में है उससे छुटकारा मिलने में भी इसकी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। राज्यपालां से अधिकार किंवा अध्यक्षांची निवडणूक या संदर्भात जो काही निर्णय आहे तो निश्चितपणे राज्यपाल घेतील, पण आम्ही या संदर्भात निश्चितपणे ऑब्जेक्शन घेतलं होतं। कारण आत्ता जे काही बदल केलेले आहेत हे बदल भारतीय संविधानाच्या जे काही आर्टिकल्स आहेत त्याच्याशी सुसंगत वाटत नाही आणि अशा प्रकारे सगळे अधिकार काढून घ्यायचे किंवा एक्झिक्युटिव्हला लेजिस्लेचरच्या कारभारामध्ये अधिक महत्त्व द्यायचं हे काही योग्य नाही आहे आणि म्हणून आम्ही याचा विरोध केला आहे। आता बघूया, आता 2 दिवसाचंच तसं अधिवेशन आहे, अजून गुंडाळून काय गुंडाळणार। पहिल्या दिवशीच त्यांनी अधिवेशन गुंडाळलेलं आहे। 5 दिवसाचं अधिवेशन ठेवणं म्हणजे अधिवेशन गुंडाळणंच आहे। त्यातले 3 दिवस झाले, आता 2 दिवस बाकी आहे। अगली खबर शरीर पर कांटे लाने वाली है, जहां बुलढाणा के खामगांव में पतंग उड़ाते समय बच्चा छत से गिरा और उसके पेट में लोहे की सलाख घुस गई, जिससे बच्चे की हालत गंभीर है। राज्य में मकर संक्रांति आने को है, ऐसे में हर रोज आए दिन पतंगबाजी और नायलॉन मांजा से जुड़ी दुर्घटना और मौतों की खबरें लगातार आ रही है। ऐसे ही शरीर पर कांटे लाने वाली दुर्घटना बुलढाणा के खामगांव में हुई। खामगांव शहर के हरावन हिल क्षेत्र के घरकुल क्षेत्र के 4 वर्षीय रुद्र राजेंद्र लुलेकर रविवार को अपने दोस्तों के साथ एक घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। ऐसे में पतंगबाजी के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो छत से नीचे गिरा। तभी अर्थिंग के लिए जमीन में गाड़ी लोहे की सलाख सीधे उसके पेट के आर पार घुसी। इसी दौरान क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे और सलाख को काट कर रुद्र को सलाख के साथ ही लेकर सामान्य अस्पताल पहुँचाया गया। हालांकि उसके पेट से मोच को हटाने और आगे के इलाज के लिए अकोला रेफर कर दिया गया। पता चला है कि उसका इलाज चल रहा है। पतंग उड़ाते समय जो हुआ वह वाकई माता पिता के लिए चिंताजनक है। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आ रहा है और शहर में पतंगबाजी शुरू हो गई है। बच्चे अचेत होकर पतंगों के पीछे भागते हैं, वे घर की छत पर दीवार पर चढ़ जाते हैं। ऐसी पतंगबाजी खतरनाक है और माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। नागपुर में हलवा एल्गार महामोर्चा का आंदोलन तीव्र हो रहा है। आंदोलनकारियों ने अर्धनग्न होकर केंद्र और राज्य सरकार के बैनर तले घंटी बजाओ सरकार जगाओ आंदोलन किया। आदिवासी हलवा समाज के हलबालगल महामोर्चा के जगदीश खापेकर के नेतृत्व में नागपुर के झाड़े चौक पर अनशन का आज 5वां दिन है
और साथ ही आंदोलन की तीव्रता बढ़ रही है। नागपुर में हलवा एल्गार महामोर्चा ने अर्धनग्न होकर केंद्र और राज्य सरकार के बैनर तले घंटी बजाओ सरकार जगाओ आंदोलन किया। इस हड़ताल का मुख्य कारण हलवा समाज के युवाओं पर जाति की वैलिडिटी और 1950 से पहले के पूर्वजों का प्रमाण पत्र की मांग बनी हुई है। जगदीश खापेकर ने बताया कि नागपुर के विधायकों और नेताओं ने हलवा एल्गार की मांगे केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाकर जल्द से जल्द निर्णय हो, अन्यथा आंदोलन और भी तीव्र कर सभी नेताओं को उनकी जगह दिखाएंगे। उपोषणकर्ता व आंदोलनकारी रवि पौनिकर, रवि पराते, दुर्गेश पारखेड़कर, राहुल पराते, प्रवीण भिसिकर, श्रावण खापेकर सावजी, यशश्री नंदनवार, ज्योति भिसिकर, दीपक देवघरे, पुरुषोत्तम सेलोकर आदि उपस्थित थे। आदिवासी अल्पा समाज आदिवासी अल्पा समाज। मुंबई से सटे वाकोला इलाके में एक रेस्तरां के कैशियर के साथ बुधवार को मारपीट करने वाले एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वाकोला थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम पाटिल मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बार बंद हो जाने के बाद फ्री खाना और शराब मांगी थी और नहीं देने पर मारपीट की। पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराल ने बताया कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस थाने में अधिकारी तैनात है उसी थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि मुंबई से सटे वाकोला इलाके में स्वागत रेस्टोरेंट डाइनिंग बार के मालिक महेश शेट्टी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बुधवार को कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रात करीब 12:30 बजे पीछे के दरवाजे से रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट बंद हो गया था और ज्यादातर स्टाफ घर जा चुका था। जब उन्हें बताया गया कि उनका स्टाफ घर के लिए रवाना हो गया है तो उन्होंने कैशियर रामदास पाटिल के साथ मारपीट की और उसे गाली दी। पुलिस अधिकारी की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डिप्टी कमिश्नर एस चैतन्य ने कहा कि पाटिल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निगम के प्रमुख शिवानंद शेट्टी ने कहा, इस तरह की चीजें न केवल पुलिस बल को बदनाम करती है बल्कि व्यापारी वर्ग के मन में उनके प्रति अविश्वास भी पैदा होता है। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। श्री संत जगनाड़े महाराज के समाधि स्थल श्री क्षेत्र सदुम्बरे से समाज जोड़ो अभियान रथ यात्रा दिंडी एवं बैंड की गजर में स्वागत हुआ। महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा महाराष्ट्र राज्य की ओर से जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज के पट्ट शिष्य श्री संत संताजी महाराज के आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक वारसा संपूर्ण महाराष्ट्र के समाज को परिचित हो, इस उद्देश्य से श्री संत शिरोमणि संताजी जगनाड़े महाराज रथ यात्रा, पादुका दर्शन एवं समाज जोड़ो और OBC जागर अभियान रथ यात्रा के 8 दिसंबर से श्री संत जगनाड़े महाराज के जन्मस्थल चाकन से समाधि स्थल श्री क्षेत्र सदुम्बरे तालुका चाकन जिला पुणे से शुरुआत हुई और इस रथ यात्रा का आज वर्धा जिले में आगमन हुआ।
रथ यात्रा का स्वागत डिंडी व बैंड के गजर में किया गया। इसके अलावा छोटे बच्चों ने संत शिरोमणि संताजी जगनाडे महाराज की वेशभूषा धारण की हुई थी। रथ यात्रा से श्री संत शिरोमणि संताजी जगनाडे महाराज के पादुका दर्शन वर्धा जिले की जनता ने किए। आज वर्धा शहरात आगमन होत आहे। दैनिक महासंघ महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने या ओबीसी जोडो जागर यात्रेचा संपूर्ण महाराष्ट्रात हा सर्व समाज बांधवांना एकत्र करण्याचा या मागे उद्देश आहे। आणि महाराष्ट्रात ओबीसीवर होणाऱ्या झालेल्या अन्यायाचा समाज घटकांना एकत्र करण्याचा हा प्रयत्न आहे। आणि ओबीसींवर आरक्षणाच्या संदर्भात असेल अन्य विषयात ज्या पद्धतीने अन्याय होत आहे त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याकरता ही जागर यात्रा आहे। आणि आता देवळीवरून ही यात्रा वर्धेला पोहोचत आहे। या यात्रेचं नेतृत्व या जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय रामदासजी तळस करत आहे। आणि काही वेळातच ही यात्रा या वर्धा शहरात त्या ठिकाणी पोहोचत आहे। भंडारा के मोहाड़ी में पुराने विवाद पर एक शख्स को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पहले शख्स को शराब पिलाई गई, फिर उसका गला घोटा गया और फिर पत्थर से सिर पर जोरदार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मोहाड़ी तालुका के कंदरी इलाके में पंजरा शिवारा में एक नाले में कांदरी के एक 28 वर्षीय युवक रोशन खोड़े का शव मिला था। पुलिस ने शव का निरीक्षण करते हुए प्रारंभिक अनुमान लगाया था कि शव को मारकर नाले में फेंका गया है। जांच के अनुसार रोशन की हत्या पुराने विवाद में हुई थी और आंधलगांव पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में जाम निवासी जितेंद्र रतिराम देशमुख, प्रेम उमाचरण सूर्यवंशी और कांदरी निवासी 30 वर्षीय मनीषा ईश्वर चुड़ारे शामिल है। रोशन खोड़गे 22 दिसंबर को अपने घर से लापता था। जब उसके परिजनों ने उसके तलाश की तो उसका शव कहीं नहीं मिला। उसका शव 23 दिसंबर की दोपहर पंजारा इलाके के एक नाले में मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए भंडारा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसी बीच जाम निवासी रोशन के छोटे दामाद जितेंद्र रतिराम देशमुख को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। फिर पुलिस ने उससे और कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि रोशन खोड़े शराब का आदी था। उसने शराब के नशे में अपनी बहन और आरोपी की पत्नी मनीषा ईश्वर चुड़ारे को जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए मृतक की बहन और दामाद ने रोशन का कांटा निकालने का फैसला किया और रोशन को मारने की साजिश रची। इसके लिए आरोपी 22 वर्षीय प्रेम उमाचरण सूर्यवंशी को जाम से अपने साथ ले गए। हत्या वाले दिन शराब पीकर आरोपी रोशन को अपनी मोटरसाइकिल से पंजारा ले गया और उसका गला दबाकर और पत्थर से सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने कबूल किया कि रोशन का शव एक स्थानीय नाले में फेंका गया था। आंधलगांव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दंड संहिता की धारा 303, 201, 109 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। आंधड़गाँव जिला भंडारा अंतर्गत पांजरा गाँव है। दिनांक 23/12/2021 रोजी मी पुलिस स्टेशनला हजर असताना दुपारी 2:30 सुमारास एका व्यक्तीचा मला फोन आला की पांजरा गावाजवळील नाल्यात एका व्यक्तीचा मृतदेह आहे। त्याची तिथले उपस्थित लोकांच्या वतीने आम्ही ओळख पटवली असता ती व्यक्ती रोशन रामजी खोडके राहणार कांदरी अशी आम्हाला माहिती मिळाली की हा जो मृतक आहे रोशन खोडके
हा अविवाहित होता आणि आपल्या बहिणीकडे तो राहत होता. तिची बहीण मनीषा ईश्वर चुदरे राहणार कांद्री हिच्याकडे तो राहत होता. आणि अशी माहिती मिळाली की त्यांचं आपसात नेहमी भांडणं व्हायचे. तर रोशनला दारू प्यायची सवय होती आणि तो दारू पिऊन मग घरी आला की भांडणं करणार, शिवड करणार, मारायला धावणार असे तक्रारी होते. त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांचे मनीषा ईश्वर चौधरीचे मिस्टर रामगर बोलवून त्याच्याकडून थोडं विचारपूस केली, पण त्याच्याकडून काही अशी माहिती खात्रीशीर मिळाली नाही. पण नंतर आमचं शक त्यांचं जे एक त्याचं साडा आहे एक जितेंद्र रतिराम देशमुख म्हणून त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे लगेच विचारपूस केली असता तो सुरुवातीला उडवडीचे उत्तर दिला. पण नंतर त्यांनी कबुली केली की त्यांचं याच्यानुसार की त्यांनी तिचं बहीण जी आहे मनीषा ईश्वर चौधरी हिच्या सांगण्यावरून जितेंद्र देशमुख आणि त्यांचा एक मित्र आहे प्रेम उमाचरण सूर्यवंशी या दोघांनी मिळून दिनांक 22/12/2021 दुपारी 2:30 दरम्यान त्याला कांद्री त्याच्या घरी जाऊन त्याला सोबत त्याच्या मोटरसायकलवर बसवून त्याला तिकडे पांजरा गावाजवळ शिवारात नेऊन त्याला दारू वगैरे पाजली. आणि त्यानंतर ते जो आपला जितेंद्र देशमुख आहे त्यांनी त्याचा गळा आवडला आणि तो मृत्यूत पडल्यानंतर लगेच त्यांनी जवळ असलेल्या एक दगडनी त्याच्या डोक्यावर मारला आणि तो तिथंच मरण पावल्यानंतर या दोघांनी जितेंद्र देशमुख आणि प्रेम सूर्यवंशी यांनी ओढत ओढत त्या नाल्याच्या पाण्यात नेऊन टाकून दिले आणि हे तिथून निघून गेले अशी ती स्टोरी आहे. या ठिकाणी आपण जितेंद्र रतिराम देशमुख, प्रेम उमाचरण सूर्यवंशी, मनीषा ईश्वर चुदरे यांना तिघांनी आपण ताब्यात घेतला आणि त्यांच्याकडे अटक केलेली आहे आणि त्यांचं कोर्टात पेश करून त्यांना 27 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी घेतलेलं आहे. अधिक तपास सुरू आहे. नेमका त्या रागाच्या भरात किंवा त्याने त्रास होता त्या कारणाने त्याला मारलं की इतर काही कारणं आहेत किंवा त्याच्या प्रॉपर्टी संबंधीचा वाद आहे, अजून इतर कोणी साथीदार आहेत का यासंबंधी अधिक तपास चालू आहे. धन्यवाद. नागपूर महानगरपालिकेने 172 बेघर लोगों के लिए आसरा केंद्र का निर्माण 24 घंटे के भीतर किया गया है. ज्ञात हो किन दिनों शहर में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए आसरा केंद्र बनाया गया है. नागपुर शहर में फुटपाथ पर रहने वाले और अन्य जगह पर रहे बेघरों के लिए नागपुर शहर में महानगर पालिका ने एक आसरा केंद्र का अभियान चलाया है, जिसके तहत शहर भर के 6 अलग अलग केंद्रों में 172 बेघरों को रहने की व्यवस्था निःशुल्क तौर पर की गई है. कुछ सामाजिक संगठना और मनपा के इस प्रयास से 280 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ लेकर ठंड के दिनों में बचा जा सकता है. वही इस आसरा केंद्र में 60 वर्षों के ऊपर वृद्ध को निःशुल्क खाना और उसके नीचे आयु वर्ग के लोगों को कम शुल्क के तौर पर खाने की व्यवस्था करवाई गई है. राष्ट्रीय ग्राहक दिन हर वर्ष 24 दिसंबर को देश भर में मनाया जाता है. तहसील कार्यालय रामटेक में उप विभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपति की अध्यक्षता एवं तहसीलदार बाला साहेब मस्के, नगराध्यक्ष दिलीप देशमुख इनकी प्रमुख उपस्थिति में आपूर्ति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय ग्राहक दिन मनाया गया. अध्यक्षीय भाषण में उप विभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपति इन्होंने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि ग्राहक अपना हक जान ले, जैसे कि कोई भी वस्तु खरीदने के पहले उस वस्तु की उत्पादन तारीख, एक्सपायरी डेट यह देखना जरूरी है. ग्राहकों को ठगा गया तो उसकी शिकायत करना चाहिए. उन्होंने ग्राहकों से जागरूक रहकर वस्तुएं खरीदने का आह्वान किया. तहसीलदार बाला साहेब मस्के ने ग्राहकों के अधिकार और ऑनलाइन खरीदी पर भी मार्गदर्शन किया. ग्राहक हक कानून को भारत के राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, यह उल्लेखनीय है. इस मौके पर उप विभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपति, तहसीलदार बाला साहेब मस्के, नगर परिषद रामटेक के अध्यक्ष दिलीप देशमुख, निरीक्षण अधिकारी स्वप्निल पडोले, आपूर्ति निरीक्षक नागार्जुन खोरे, आतिश जाधव, कमलेश शरणागत, अखिल भारतीय ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष अविनाश शेंडे, शीतल चिंचोलकर, जयश्री मर्जीवे, इनके अलावा स्वस्थ धान्य दुकानदार और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. कार्यक्रम की प्रस्तावना, सूत्र संचालन व आभार प्रदर्शन आपूर्ति निरीक्षक आतिश जाधव ने किया. ग्राहक दिनाच्या दिवशी नागरिकांना एवढंच सांगू इच्छिते की ग्राहक म्हणून सगळ्यांनी आपल्या अधिकाराबाबत जागरूक राहायला पाहिजे. कुठलीही वस्तू खरेदी करताना आपण त्याची एम आर पी तपासणे, त्याची एक्सपायरी डेट, त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग डेट तपासणे,
त्याचप्रमाणे वस्तूचं बिल घेणे, या ज्या काही आवश्यक बाबी आहेत त्या सगळ्यांनी बघायला पाहिजे अशी मी कोविड डिसेंबर 1986 रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा आला यामागचा याचा हेतू होता. त्यानुसार राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार राज्य स्तरावर, जिल्हा स्तरावर आणि राष्ट्रीय स्तरावर आयोग स्थापन झाले. सदर आयोग हे ग्राहकांचं हित आणि फसवणूक होऊ नये म्हणून त्यांनी चांगल्या प्रकारे काम केलेलं आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना सांगू इच्छितो की आपल्याकडून जर फसवणूक करत असेल तर आपण तात्काळ सगळं कामे करायला आपण योग्य राहील आणि आपण सगळे जागरूक राहून सर्वांनी. तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ.